हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। और आज मैं आप लोगों को पीछे देख ही रहे होंगे, आज मैं आया हूं इस टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है हमारे भारत में। और आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और ये आपका ख़त्म जाकर होता है पंजाब के लुधियाना में गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक बिछाने का काम था वो कर दिया गया है। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, फिर आपको ज़्यादा दिखाई देगा गाइस। तो देख सकते हैं गाइस के इसका ये ब्रिज बनाया गया है इंडियन डेडिकेटेड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस टाइप का ये ब्रिज बनाया है और ये सिंगल लाइन है। और आपको बता दूं कि ये जा रही है उत्तर प्रदेश के दादरी के लिए, और आपको बता दूं और इधर चली जाती है आपके पंजाब के लुधियाना में। तो देख सकते हैं पहला ये रेवाड़ी आएगा, रेवाड़ी तो फिर ये लुधियाना के लिए चली जाएगी गाइस। तो आपको बता दूं वो इंडियन रेलवे नीचे से जा रही है और ऊपर से ये मालगाड़ी चलेगी इसके ऊपर। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पर भी अभी लेके चलेंगे आप लोगों को। और खम्भे देखिए, अब ये लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक के खम्भे, ये देखिए पोल। और इस पर अभी OHE लगाना बाकी है क्योंकि वो लगाने में टाइम लगेगा। तो देखिए किस तरीके से ये ट्रैक बिछाए गए हैं गाइस, ये देख सकते हैं ये ट्रैक जिस बिछा दिया गया है। पहले ये स्लैब बिछाए जाते हैं, ये स्लैब बिछाया जाता है ये वाला, और फिर इसके बाद में ये लाइन क्लियर की जाती है। और आपको बता दूं गाइस क्या देख सकते हैं, ये पूरा कम्प्लीट सही काम हो चुका है। और ये नए हैं अभी, ये नए स्लैब हैं। और आपको बता दूं गाइस देखिए, और ये इस ब्रिज को ये क्रॉस कर रहा है NH24 गाइस। तो तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं बीच से, तो देखिए कुछ यही सीन है यहाँ का। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं गाइस NH24 जो कि इधर ये मुरादाबाद बरेली होता हुआ और ये निकल जाता है नखलऊ के लिए गाइस, ये नखलऊ के लिए चला जाता है। और आपको बता दूं कि इधर ये दिल्ली के लिए चला जाता है। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद में मैं आया हूं, तो जब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था तो उससे कई गुना तो काम अब हो चुका है, मतलब कि ये कंप्लीट सही हो चुका है। और जब मैं आया था तो इस पर इसका इस पर कलर किया जा रहा था इस ब्रिज पे। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि अभी बस इस पर इलेक्ट्रिक के खम्भे ही बिछाए जाने बाकी रह गए हैं गाइस। और आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि पंजाब के लुधियाना से फिर दूसरा रूट स्टार्ट होगा और वो जाएगा हमारे बंगाल में जाके ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो स्लैब आप देख सकते हैं कि किस तरीके के ये स्लैब हैं गाइस, ये देख सकते हैं ये स्लैब है इसका, और ये सिंगल लाइन चलेगी। आपको बता दूं क्योंकि रेवाड़ी से होते हुए सिंगल लाइन आएगी। और इसके ये हुक हैं, देखिए ये हुक पड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप का ही ये हुक होता है गाइस, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा हुक होता है जो ये लगाया जाता है इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से लगाया जाएगा, ऐसे लगाया जाता है, ये देखो लग गया ना ये। अब इस पर ये ठोक दिया जाएगा, यहाँ से ये ठोक दिया जाएगा और ये निकल भी जाता है, देखो इस तरीके से ये ठोका जाता है। तो ये ठोक दिए गए हैं बाकायदा इसके, और ऊपर से ये लोहे का जाल भी लगा दिया गया है, देख सकते हैं ये लोहे का जाल है, मतलब कि ये प्लास्टिक लगा हुआ जाल है। तो इस तरीके से ये ताकि मिट्टी ना खिसके, इसलिए इन्होंने ये स्टोन के पत्थर लगा दिए गए हैं गाइस। और आप लोगों को ये, और आपको बता दूं कि ये वो नाली बनाई जाएगी पानी के लिए, ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है, वो देख सकते हैं तस्वीरें।
वो साइड से ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाएगा। और ये देखिए बिजली के पोल हैं जो कि इस पर लगाए जाने हैं, OHEC इस पर लाइन अभी लगानी बाकी रह गई है, उसके जो लगते हैं वो लगाने बाकी रह गए हैं। और ये चला जाता है आपके उत्तर प्रदेश के दादरी के लिए, गाइस देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ ये नज़ारा है यहाँ का। और दोनों साइड में ये काम चल रहा है, तो आपको नीचे का भी दिखा देते हैं क्योंकि वर्कर यहाँ पर ये लगे हुए हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से ये बिछाया जाता है ताकि यहाँ से जब बरसात होगी तब मिट्टी नीचे ना खिसके, तो इसीलिए इन्होंने स्टोन ये लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं इसे। और स्टोन से चिपकाने के बाद में फिर ये उस पर ये भी लगाया गया पट्टी थी ताकि मिट्टी यहाँ के यहीं दब जाएगा। यही नज़ारा ये वर्कर से लगे हुए हैं। उधर देखिए वो मिट्टी लेवलिंग में की जा रही है, तो यही सीन है, ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो स्टोन देख सकते हैं किस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर भी पूरे में ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि इसमें से पानी निकल सके। ठीक है, बस यही नज़ारा है गाइस, देख सकते हैं ये स्टोन लगा रहे हैं इस तरीके से, पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, इसे चिपका देंगे, फिर इसके ऊपर ये ढक जाएगा ताकि ये मिट्टी सूख जाया करेगा, यहीं पर बहने नहीं देगा मिट्टी को। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है गाइस, तो देख सकते हैं किस तरीके से ये लगा रहे हैं जाल ये पत्थरों के ऊपर ताकि ये पत्थर उखड़ के ना भागें, तो इसी तरीके से ये लगा रहे हैं गाइस। ठीक है, अब चलते हैं हम उधर और उसका दिखाते हैं चल के आपको वहाँ का, तैयार हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं इधर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है और यहाँ पर ये देखिए स्टोन पड़े हुए हैं, स्टोन ही स्टोन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले इसकी लेवलिंग करेंगे ये ताकि ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा ये पानी यहाँ से पास हो सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वर्क चल रहा है, ये वर्कर लगे हुए हैं, पहले इसकी मिट्टी को लेवलिंग करेंगे। देखिए और ये जा रही है इंडियन रेलवे की रेलगाड़ी, देखिए ये जा रही है गाज़ियाबाद के लिए, और देख सकते हैं दूसरी ये है। अब देख सकते हैं कि नज़ारा कितना खूबसूरत है गाइस, तो ऊपर से डबल डेकल मार गाड़ी गुजरेगी और नीचे से ये इंडियन रेलवे गुजरेगी, तो नज़ारा ही कितना देखने में खूबसूरत होगा गाइस आने वाले टाइम में। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो चैनल पर KP संत के, तो आए दिन लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है गाइस। तो देख सकते हैं ये मिट्टी पहले लेवल करेंगे, फिर इस पर ये स्टोन बिछाए जाएंगे जो कि वो स्टोन पड़े हुए हैं, फिर इसको लेवलिंग करेंगे, इसे बिछाएंगे, और बिछाने के बाद में इस पर एक जाली लगाई जाएगी, और जाली लगाने के बाद में फिर ये क्लियर हो जाएगा ताकि यहाँ पर बारिश का पानी से ये मिट्टी ना बह सके। ठीक है गाइस, तो यही सीन है यहाँ का, तो आप चलते हैं हम वहाँ पर, और वहाँ पर चल के आप तो आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ किस टाइप का बना हुआ है। तो चलिए आप बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत के चैनल पर गाइस, और मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और थोड़ा सा भी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लेवलिंग की जा रही है मिट्टी की, ताकि बरसात के टाइम में ये नीचे बह के ना जा सके। और वो स्टोन अभी लगाए जाएंगे, स्टोन लगा कर चिपका दिए जाएंगे, फिर उस पर जाली लगाई जाएगी ताकि ये स्टोन कोई ले जाना सके, तो इसलिए देख सकते हैं ये। और यहाँ पर इस पर ये रेड बत्ती लगाई जाएगी, यहाँ पर ये बत्तियाँ लगाई जाएंगी गाइस, ये देख सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने दे रखा है। तो ट्रैक आप देख सकते, अटेंड करता रहता हूँ दोस्तों। देखिए क्योंकि इस पर रोड रोलर चलाया गया है, इसको पत्थर एक सार किए गए हैं, फिर उसके बाद में ये ट्रैक बिछाया गया है गाइस, तभी ये ट्रैक बिछाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, और आपको बता दूं कि ये इसका यही नहीं पता तो चलता, ये नई पटरियां हैं, पुरानी पटरियां हैं गाइस। देखो ये पुरानी लग रही है, ये देखो कितने पुराने पड़े हैं, ये जो पटरियां हैं देखिए वो कितनी पुरानी थी लग रही है मेरे को। और देखिए यहाँ पर ये डबल कर दी गई है, और डबल इसलिए कर दी गई है ताकि इसकी सपोर्ट मिल सके, इसकी देखो ये मेरी उंगली रखी हुई है ना, ताकि इसकी सपोर्ट मिल सके इसको, तो इसीलिए इन्होंने ये डबल किया है। और ये चलने के लिए है ताकि हम इसे पार कर सकते हैं। तो नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लोहा ही लोहा है, और ये अब चलेगी तब ढड़ 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 यह आवाज़ें करेगी गाइस। ठीक है,
तो नज़ारे आप लोग देख सकते हैं कि ये है इंडियन रेलवे की लाइन, जो कि ये गाज़ियाबाद में जा रही है पैसेंजर, ये पैसेंजर की है लाइन, और ये हो जाएगी अब डबल डेकर मालगाड़ी के लिए गई। देखिए, और जब कोई आपातकालीन कुछ हो सकता है तो इस पर भी ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक को लाया ले जाया जा सकता है। तो देख सकते हो अब हम आ गए इस पर, और नज़ारे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। और देखिए वो रोड निकल ली है NH 24, और देख सकते हैं यहाँ पर हरी भरी हरियाली हर चारों तरफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये गन्ने के खेती खेत आप लोगों को इधर इस एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मेरठ, मरोजम, मुजफ्फरनगर और ये बागपत, बड़ौत में, इधर सब में ही गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग तस्वीरें देख ही सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉग से देखो केपी संत के चैनल पर। और ये सीधी लाइन जाती है आपकी ऋषिकेश देहरादून, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही ब्लॉग से देखो, और देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का लेबलिंग किया जा रहा है, और मिट्टी लेबलिंग होने के बाद में अब ये पत्थर बिछाए जाएंगे, स्टोन, ये स्टोन बिछा दिए जाएंगे, फिर इसके ऊपर जाली लगा दी जाएगी ताकि ये बरसात के टाइम में ये मिट्टी खिसक ना सके, कि अगर मिट्टी ये खिसकेगी तो ये बह जाएगी, पटरियाँ भी बहने का डर रहेगा, तो इसलिए इसको ये स्टोन द्वारा इसको चिपका दिया जाएगा कहीं। तो यही नज़ारा है बस। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस, और ऐसे ही ब्लॉग देखो केपी संत के चैनल पर, आए दिन आते रहते हैं और आप लोगों को नई नई जगह की इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ और आप लोगों को देता रहता हूँ गाइस। तो चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से। इसके नज़ारे देख सकते हैं, ये डिस्टेंट डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। और ये आ रही है, देख सकते हैं ये आ रही है ट्रेन मालगाड़ी, और इस तरीके से ये पटरी के बीच में देखिए दोस्तों, ये ट्रैक के बीच में ये पत्थर डाल दिए जाएंगे, कि देखिए अभी इतना गैप है इनमें, देख सकते हैं ये गैप है ना, ये गैप भर दिया जाएगा, ये स्टोन इसमें डाल दिए जाएंगे। और देखिए ये पड़े हुए हैं स्टोन अभी, ये वाले ये उठा के इसमें डाले जाएंगे, इधर इनमें डाले जाएंगे इसके बीच में, और ये कम्प्लीट हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा ट्रैक ये, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। अभी इन पर नहीं पड़ा हुआ है, इन पर जल्दी पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इस पर स्टोन, बस स्टोन पढ़ने के बाद में ये कंप्लीट ही है, इस पर लाइन बिछाई जाएगी बस।